ओम साई राम, ओम हाँ, साई राम, ओम ओम सावधान। साई राम, मैं मनोज नंबियार, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओम रेकी मास्टर, एनर्जी रीडर। आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी सालों से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र में काम कर रहा हूँ। मैंने कई प्रोफेसर्स, कई डॉक्टर्स, कई वास्तु एक्सपर्ट्स और कई महाराजों से के साथ काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में क्या है। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि भई ये है क्या, ये सही में क्या इसका हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है क्या नहीं है। तो दोस्तों, वास्तु अगर आप देखें तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये एक ही पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है वास्तुशास्त्र, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक डिपार्टमेंट है एस्ट्रोलॉजी का। वास्तु के बारे में अगर देखें तो ये फाइव एलिमेंट्स और जो डायरेक्शंस है हमारे, जो मुख्य डायरेक्शंस है उस पर ये काम होता है। साथ ही कॉस्मिक एनर्जी, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सभी देखनी पड़ती है। तो इसका हम अध्ययन करते हैं, इसका हम स्टडी करते हैं। और दोस्तों, मैंने अपने काफ़ी टाइम से जो इस स्टडी में मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 7-8 साल से मैंने ये स्टडी किया। मेरे स्टडीज़ में काफ़ी वास्तु या ड्वेलिंग्स, फैक्ट्रीज हमने देखे हैं कि जहाँ पर कैसे कैसे छोटी छोटी रेमेडीज़ करके हमने उनको रेक्टिफाई किया है और वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं वहाँ पर। कहीं पर हमने पूजा के द्वारा, कहीं पर हमने कुछ रेमेडीज़ द्वारा, कहीं पे आपके जो घर पे रेमेडीज़ है बस उसी से ही काम किए हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। दूसरी बात, लोग मुझे पूछते हैं कि क्या वास्तु ये इम्पोर्टेंट है, क्या वास्तु शास्त्र ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा हाँ। देखिए, ये वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी, ये जो भी हमारे टूल्स हम बोल सकते हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिला है। ये हमें बता रहे हैं कि कैसे हम हमारे लाइफ को बेहतर से और बेहतर बना सकें। मैंने कई देर विजिट किया है वास्तु में, तो वहाँ पर मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दिए, ऑब्स्टिकल्स आना, हेल्थ वेल्थ में प्रॉब्लम होना, और कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि भाई घर में कलेश होना, या बच्चों और बड़ों में वाद विवाद होना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना। तो दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हम उस गाइडेंस, चाहे जो टूल्स हमारे एंसेस्टर्स या हमारे ऋषि मुनि ने दिया है, हमें उनके बारे में पता ही नहीं। तो मेरा यही फोकस लिए रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को और अच्छा बेनिफिट दे आए, उनकी उनकी लाइफ को कैसे हम बेनिफिट दें ऐसे प्रॉपर रेमेडीज के साथ। और इसमें मैं कई हद तक सफल हुआ हूँ श्री साईनाथ महाराज जी के द्वारा। और अब मैं अपने श्री कैलाश महाराज जी, उनके सानिध्य में काम कर रहा हूँ। हमने कई वास्तु में काम किए, कभी बिल्डिंग्स में काम किए, कहीं बहुत सारी फैक्ट्रीज में काम किए हैं, और उसमें काफ़ी हम सफल हो गए। और ये भी हमारा प्रयास रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करें। अब दोस्तों, कुछ सवाल आ रहे हैं कि क्या वास्तुशास्त्र सही में इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। शायद यह डाउट आपको भी होगा, तो मेरा जवाब है हाँ। देखिए क्यों है, हमारा वास्तु, हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर हमारा घर है, स्वीट होम, हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में,
नई जॉब नए ये करके इनकम जनरेट करते इनकम बढ़ाते हैं और हम हमारे हिसाब से हम घर खरीदते हैं है? तो घर खरीदने के समय भी आपको बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि ये ऐसा हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, क्यों देखते हैं? क्योंकि हम उससे हमारा लाइफ लॉन्ग तक वो घर हमारा है सोच के हम वो खरीद रहे हैं। तो अगर आप इतना प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी आप अगर सही मायनों से ले तो आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उसे आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ना, वो ईश्वर का है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उसे रेमेडीज करके या उसे हम उसकी जो पावर है उसको हम कम कर सकते हैं थ्रू वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। देखिए हम स्कूल में हमने पढ़ा है ज्योमेट्री मैथ्स में, ख़ास करके ज्योमेट्री आप देखिए फिजिक्स बायोलॉजी, हमें पता है क्या क्या करना है, पर अगर प्रैक्टिकली वो करना है तो हमें उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, बराबर। तो वैसे ही अगर हमारे वास्तु रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होता है या हमारे पत्रिका वाइज जो भी प्रॉब्लम्स होता है वहाँ पर ये टूल्स हमें हमारे ऋषि मुनि ने दिया है जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या वास्तु हमारे लाइफ में अफेक्ट करता है, वो तो मैंने आपको बताया है कि कैसे वास्तु हमारे लाइफ में अफेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शंस वाइज है हमारे, हमें ये सभी को पता है भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, लेकिन ये चार मुख्य डायरेक्शंस है, इसके अलावा और चार मुख्य सब डायरेक्शंस हम बोलते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर ईस्ट का कोना, साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूर्व का कोना, साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम का कोना, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, उत्तर और पश्चिम का कोना, ऐसे कहीं डायरेक्शन है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 8 डायरेक्शंस तो यहाँ पर है, लेकिन और भी काफ़ी डायरेक्शन है जो आप डीप स्टडी करेंगे तो उसमें पता चलेगा। उसमें से हम ये देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे हम वहाँ की एनर्जी को, दोनों एनर्जी हम बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी, ये दोनों की ज़रूरत बहुत है, इम्पॉर्टेंस। कोई भी आप एक एनर्जी को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, वहाँ पर जब कम या ज़्यादा करता है करते हैं तभी ये प्रॉब्लम्स अराइज होगी। उसके अंदर डिटेल्स आपको आने वाले मेरे चैनल पे मैं डालूंगा, ज़रूर आप देख सकते हैं। बाद में बताते हैं कि कुछ सवाल ऐसे हैं कि क्या रेमेडीज, वास्तु की रेमेडीज रियली वर्क करता है, तो मैं कहूँगा यस डेफिनेटली। मेरे 7-8 साल के एक्सपीरियंस में और मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो मैंने जिनसे शिक्षा प्राप्त की है उनके एक्सपीरियंस से मैं ये दावे के साथ बोलता हूँ कि हाँ, ये रेमेडीज हम करने से हमें कई हद तक हम उस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक ट्रक से एक्सीडेंट होना और एक साइकिल से एक्सीडेंट होना, ये दोनों में फ़र्क है ना। तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आती हैं अगर हम ये छोटी सी रेमेडीज करती है, प्रॉब्लम तो आएगी, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी इस छोटी सी रेमेडीज करने से या प्रिकॉशन लेने से वो प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक उसे संभाल सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सवाल जो बता है कि क्या वास्तु रियली रेमेडीज रियली वर्क करता है, तो मेरा हाँ। ऐसे कुछ सवाल आए हैं तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते जाऊँगा हर एक एपिसोड पर। एस्ट्रोलॉजी भी सेम है, ये भी हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं,
सी ज्ञान विज्ञान, ज्ञान अगर आप अर्जित करते हैं तब जाके वो विज्ञान होता है, क्योंकि आपका नॉलेज आपका प्रैक्टिकली स्किल जो डेवलप होता है वहाँ पर आप फर वो साइंस हम बोलते हैं। बट हाँ, ये सभी एक प्रकार के एनर्जी या प्लैनेट्स या कॉस्मिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। बस इसे हमें बैलेंस करना है और इसका रिजल्ट हमको खुद ब खुद आना है। ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है दोस्तों, ऐसा नहीं कि भाई आज रेमेडीज कर लिया दो दिन में हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ना। ये रेमेडीज आप जब करेंगे तब ये आपका स्लो प्रोसेस होते होते आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखाई देगा। मेरे कहीं वास्तु जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको ये रिजल्ट हमने बताया है और उन्होंने खुद में ही अनुभव किया और उनका फीडबैक हमें मिला है कि हाँ गुरुजी हमें अब बेहतर फील हो रहा है, अब बेहतर हम उस प्रॉब्लम को फेस करने में आ रहे हैं, पहले हम फेस नहीं कर पा रहे और अब हम काफ़ी हद तक फेस कर पा रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरह से हम उस चीज़ से ओवरकम आ रहे हैं, हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। दूसरी बात, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि क्या ये वास्तु अमेरिका में या स्वीडन में, कनाडा में, न्यूयॉर्क में ये एप्लीकेबल है क्या, क्या कि सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल है? तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा ये सभी जगह पर एप्लीकेबल है वो वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी सी, ये सभी एक एनर्जी आप बोल सकते हैं, ये सभी एप्लीकेबल होता है हर एक जगह पर। क्यों? क्योंकि ये सभी पंच तत्व है, पंच तत्व आकाश पृथ्वी अग्नि वायु जल, ये पंच तत्व से बना शरीर है, पंच तत्व यहाँ पर हमारे पृथ्वी पे सभी तरह व्याप्त है, तो ये सभी जगह पर वास्तुशास्त्र एप्लीकेबल है। पहली बात देख सकते हैं, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। साथ ही दोस्तों मेरे ये आपसे निवेदन है कि आपको अगर कोई भी लेआउट आपके वास्तु के बारे में या कोई भी प्लॉट के बारे में या आपकी जन्मकुंडली के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करिए, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्या मैं सब कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं ज़रूर आपका जवाब दूँगा उस पर, और हॉरोस्कोप जो भी है वह हम देखेंगे, इसमें हम अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो हम ज़रूर उसका आपको रिजल्ट ये कर बताएंगे कि क्या क्या करना है, एस्ट्रोलॉजिकल वाइज में क्या करना है, वास्तु के बारे में क्या करना है वह हम आपको बताएंगे। तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, इसमें चार्जेस है, छोटी सी चार्जेस है, आप करा सकते हैं। आपका सभी का दिन शुभ है। ओम साई राम।